बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हमारा टॉपिक है सेल्स टैक्स और सेल टैक्स FA1, FA2 और FFA तीनों पेपर्स में ये टॉपिक आता है, एग्जामिनर पूछता भी है इसके बारे में। तो सेल टैक्स या VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। सबसे पहली बात कि सेल टैक्स क्या होता है। सेल टैक्स इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है जो एंड कंज्यूमर ने पे करना है। जिस तरह एक बिजनेस है, उसने दूसरे बिजनेस को सेल किया और उसने एंड कंज्यूमर को, लास्ट कस्टमर को सेल किया। अब ये टैक्स बी को देगा, बी टैक्स ए को देगा और ए ये जो टैक्स है ये टैक्सेशन अथॉरिटीज को दे देगा। अब बीच में जितने भी बिजनेसेस हैं उनका टैक्स बैलेंस निल होगा, ए का भी निल होगा, बी का भी निल होगा। और टैक्स पे किसने करना है? सेल्स टैक्स हमेशा याद रखें एंड कंज्यूमर पे करता है। और जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं, जो भी इस चेन के अंदर बिजनेसेस आ रहे हैं, वो सेल टैक्स पे नहीं करते। अब हमारे पास सेल्स, जब भी हम सेल्स करते हैं, आपको पता है सेल्स इनकम होती है और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब जब हम सेल्स करते हैं, लेट्स सपोज मैंने 1000 की सेल्स की और साथ 200 टैक्स भी रिसीव किया, तो टोटल कैश मैंने कितना रिसीव किया? 1200। तो अब हम इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? अगर हम रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, हम एंड कंज्यूमर नहीं हैं और हम सेल्स कर रहे हैं या परचेजेस कर रहे हैं, तो हम टैक्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम हमेशा सेल्स को क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं और अमाउंट जो होगी वो कौन सी अमाउंट होगी? नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स क्या होता है? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब वो प्राइस जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। इसी तरह आप कहीं पे भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, किसी होटल पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको जो मेन्यू में प्राइस है वो भी चार्ज की जाती है, प्लस सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा होता है। अब मेन्यू पे उन्होंने कम वैल्यू क्यों रखी हुई है? क्योंकि ये उनकी सेल्स है, बाकी जो आपसे वो एक्स्ट्रा कैश रिसीव कर रहे हैं, डेबिट कैश 1200, ये जो 200 का एक्स्ट्रा कैश है ये लायबिलिटी होगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। तो आपकी डबल एंट्री क्या बनी? डेबिट कैश या रिसीवेबल्स, डेबिट कैश या रिसीवेबल्स। ये हमारे पास कैश या रिसीवेबल हमेशा ग्रॉस अमाउंट होती है या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है, जिसमें टैक्स भी शामिल होता है। सेल्स हमेशा नेट ऑफ टैक्स होती है, सेल्स हमेशा नेट ऑफ टैक्स होगी, इसे हम 100% वैल्यू भी कहते हैं। और ये हमारे पास 20% यहां पे टैक्स था, तो अगर ये देखें ये 120% वैल्यू है, ये 100% वैल्यू है और ये 20% वैल्यू। तो सेल्स के केस में टैक्स हमेशा क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमने अपनी इनकम से एक्स्ट्रा जितना रिसीव किया है किसके बिहाफ पे रिसीव किया है? टैक्सेशन अथॉरिटीज के बिहाफ पे रिसीव किया है, तो वो 200 हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसी तरह जब हम परचेजेस करते हैं तो डेबिट परचेजेस, परचेजेस हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, डेबिट परचेजेस। अब हमने 1000 की चीज खरीदी, कैश कितना पे किया या कितना पे करेंगे? 1200, क्योंकि हमने अभी बात की कि हम रजिस्टर्ड बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस सेल टैक्स पे नहीं करता, कौन पे करता है? एंड कंज्यूमर पे करता है। तो हमने 1000 की जगह 1200 पे किया, ये जो हमने 200 का टैक्स पे किया है ये हम टैक्सेशन अथॉरिटी से क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे, रिफंड रिसीव कर लेंगे। तो जो रिकवरेबल चीज होती है वो आपके लिए एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। तो डबल एंट्री क्या आ गई? डेबिट सेल टैक्स, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट कैश या पेएबल। तो याद रखो, पेएबल, रिसीवेबल्स या कैश, ये हमेशा ग्रॉस वैल्यूज होती हैं। ग्रॉस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जिसमें टैक्स शामिल होता है। और सेल्स और परचेजेस दोनों नेट ऑफ टैक्स होती हैं। नेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है?
जिसमें टैक्स की वैल्यू शामिल नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। यहां पर अगर हम बात करें, देखें ये 100% वैल्यू है, 20% टैक्स है, तो कैश या पेएबल कितना परसेंट होगा? 120%। इसी तरह अगर सेल्स रिटर्न हो जाए, तो सेल्स क्या थी? इनकम। सेल्स रिटर्न क्या होती है? डिक्रीज इन इनकम। तो जब इनकम डिक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे? डेबिट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं और सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो अब देखो, पहले टैक्स हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब हम टैक्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, अपनी लायबिलिटी को कैंसिल करेंगे ना। जब हमने सेल्स की तो टैक्स लायबिलिटी थी, जब सेल्स रिटर्न हो गई इनकम भी कम हो गई तो अब लायबिलिटी भी कम होगी, तो लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है। तो डेबिट सेल्स रिटर्न, डेबिट सेल टैक्स, डेबिट सेल टैक्स, क्रेडिट कैश या रिसीवेबल्स। तो अब यहां पे देखें 1200 1200। तो जब हमने यहां पे एंट्री की थी, कैश डेबिट किया था या रिसीवेबल्स डेबिट किए थे ग्रॉस वैल्यू से। जब रिटर्न होगी तब भी कैश या रिसीवेबल ग्रॉस अमाउंट होगी। सेल्स, यहां पे सेल्स इनकम थी, क्रेडिट हुआ नेट वैल्यू, और यहां पे डेबिट हुई सेल्स रिटर्न नेट वैल्यू। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, ये चारों हमेशा नेट ऑफ टैक्स होती हैं, इसके अंदर टैक्स शामिल नहीं होता। इसी तरह परचेज रिटर्न अगर हो जाए, तो परचेजेस क्या थी? एक्सपेंस। परचेज रिटर्न हो गई, मैंने सप्लायर को गुड्स वापस कर दी, मेरा एक्सपेंस कम हुआ। जब एक्सपेंस कम हुआ तो एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट। और अगर जब एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। किस वैल्यू से? नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, 100% वैल्यू। अब टैक्स क्या हो जाएगा? देखें यहां पे जब हमने परचेजेस की थी तो हमने कहा था हमने टैक्स पे नहीं करना, ये जो टैक्स पे किया है ये हमारे लिए रिकवरेबल है, हमारे लिए एसेट है, और एसेट की नेचर डेबिट होती है। जब सेल्स परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न क्रेडिट है, तो वो जो हमारा एसेट बना था टैक्स, वो भी क्या हो जाएगा? एसेट कम हो जाएगा। एसेट का कम होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब यहां पे डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट कैश या पेएबल। तो अगर आप देखें यहां पे कैश पेएबल है, कैश पेएबल है, कैश रिसीवेबल है, कैश रिसीवेबल है, कैश या रिसीवेबल या पेएबल हमेशा ग्रॉस वैल्यूज होती हैं। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, ये चारों वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं? नेट ऑफ टैक्स होती है, इसमें टैक्स शामिल नहीं होता। हाँ, अगर हम एंड कंज्यूमर हैं, अगर हम एंड कंज्यूमर हैं तो हम क्या एंट्री कर रहे होते हैं? हमने 1200 पे किया है, तो डेबिट परचेजेस 1200, क्रेडिट कैश या पेएबल 1200। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये 200 रिकवरेबल नहीं है। अगर हमारे लिए रिकवरेबल है तो हम उसे अपना एसेट रिकॉर्ड करेंगे, और जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है तो मेरे लिए पेएबल है, मेरी लायबिलिटी है, तो मैं उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, अब देखें अभी तक हमने चार चीजें पढ़ी, अब इसी को हम समराइज कर लेते हैं। सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है तो टैक्स भी क्रेडिट होगा। सेल्स, सेल्स रिटर्न नेचर डिक्रीज इन इनकम डेबिट, तो टैक्स भी क्या होगा? डेबिट होगा। परचेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंसेस डेबिट, टैक्स भी डेबिट। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो टैक्स भी क्रेडिट। क्या इसके अलावा कोई एंट्री है जहां पे सेल टैक्स आए? इसके अलावा जब हम रिफंड रिसीव करें टैक्सेशन अथॉरिटी से, तो क्या डबल एंट्री होगी? डेबिट कैश, क्रेडिट सेल टैक्स। सेल टैक्स कब क्रेडिट होगा? जब हम
रिफंड रिसीव करें। और अगर हम सेल टैक्स पे करें टैक्सेशन अथॉरिटीज को, तो जब पे करेंगे तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है, कैश पेड टू टैक्सेशन अथॉरिटी। तो सेल टैक्स की ये 6 सिचुएशंस हैं जहां पे सेल टैक्स डेबिट या क्रेडिट होता है। सेल्स के वक्त क्रेडिट, सेल्स रिटर्न के वक्त डेबिट, परचेजेस के वक्त डेबिट, परचेज रिटर्न के वक्त क्रेडिट, रिफंड रिसीव फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटीज क्रेडिट, कैश पेड टू टैक्सेशन अथॉरिटीज डेबिट सेल टैक्स, क्रेडिट कैश। तो ये 6 सिचुएशंस हैं जहां पे हम टैक्स को, और अगर हमारे पास ओपनिंग टैक्स दिया हो, क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के अंदर बड़ा आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आपको ये बात पता है। आपको ये बताया जाए कि ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट होगी, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, सेल्स हुई है तो टैक्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हुई है तो डेबिट, परचेजेस हुई है तो डेबिट, परचेज रिटर्न हुई है तो क्रेडिट, रिफंड रिसीव किया है तो क्रेडिट, कैश पे किया तो डेबिट। तो आप नेट आखिरी क्लोजिंग बैलेंस उसे बता देंगे कि सेल टैक्स का क्या है। अब इसी टॉपिक में, अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू हो, टैक्स ना शामिल ना बताया जाए, तो हम टैक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर याद रखें, हमारे पास, हमने सेल टैक्स फाइंड करना हो, हमने क्या फाइंड करना हो, सेल टैक्स, और वैल्यू कौन सी है, ग्रॉस। ग्रॉस वैल्यू कौन सी होती है, जिसमें टैक्स शामिल होता है, जिसे हम इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 100 प्लस टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट होगा। नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर आपको 17.5% वैट या वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स गिवन होता है, बट किसी क्वेश्चन में 20% भी होता है, 10% भी होता है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, अगर 20% है तो 120 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो जब भी हमारे पास ग्रॉस वैल्यू होगी और हमने क्या फाइंड करना है, टैक्स फाइंड करना है, तो ग्रॉस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट इनटू टैक्स रेट, आपके पास सेल टैक्स फाइंड हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास जो वैल्यू है वो नेट ऑफ टैक्स है, मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो अब हमने अगर टैक्स फाइंड करना है तो हम डिवाइड करेंगे जस्ट 100 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अगर आप यहां पे देखें, ये हमने कहा था परचेजेस नेट वैल्यू होती है, तो ये क्या थी, 100%। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमें टैक्स पता चल जाएगा। और अगर हमें 1200 दिया होता और अब हमें कहा जाता है कि टैक्स निकालो, इस 1200 में 20% टैक्स शामिल है, तो हम 1200 को किससे डिवाइड करते, 120 से, मल्टीप्लाई किससे कर देते, 20 से, तो हमें टैक्स पता चल जाता कि 200 टैक्स है। ठीक है, तो सेल टैक्स निकालने के लिए ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए। अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है तो ग्रॉस वैल्यू में से टैक्स माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, अभी हमने बात की इस एग्जांपल में, हमारे पास ग्रॉस वैल्यू कितनी थी, 1200, टैक्स कितना था। अगर मुझे यह पता चल जाए कि इस 1200 में 200 टैक्स है, तो मेरी नेट वैल्यू कितनी होगी, 1000। तो मेरी सेल्स कितने से रिकॉर्ड होगी, 1000 से। परचेजेस कितने से रिकॉर्ड होगी, 1000 से। सेल्स रिटर्न कितने से रिकॉर्ड होगी, 1000 से। परचेज रिटर्न कितने से रिकॉर्ड होगी, 1000 से, क्योंकि ये चारों चीजें नेट ऑफ टैक्स होती हैं, इसमें टैक्स शामिल नहीं होता।